अभी तक हमारी वेबसाइट अप्रूव हुई है या नहीं, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट अप्रूव हो चुकी है सक्सेसफुली। उसी वक्त इंस्टेंट अप्रूवल मिला है, इंस्टेंट आपके ऐड शो हो रहे हैं। आप लोगों ने जो थीम है वो आप लोगों ने यही वाला लगाना, ये वाला थीम आपको कैसे मिलेगा वो भी आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ स्क्रीन नजर आ रही है, ये डायरेक्ट लिंक लगाए हुए, ये किस तरीके से लगाते हैं, ये वाला जो लिंक है ये आपने रिमूव कर देना है। यहाँ पर अभी तक आप लोग चेक कर लीजिए कि आपको लास्ट के अंदर जो है कितने आप लोगों को यहाँ पर नजर, और ये वाला जो वेबसाइट है वो हमारी उसके अंदर अप्रूव भी नहीं है, वो भी आपको दिखा देते हो। यहाँ पर ये वाला जो वेबसाइट है इसका लिंक आप चेक कर सकते हैं। एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो वाली ट्रिक यहाँ पर, ये वाली ट्रिक है यूनाइटेड स्टेट से, रशिया, थाईलैंड, ब्राजील, हांगकॉन्ग से ट्रैफिक आ रही है, तो ये वाली ट्रिक भी काफी मजेदार है। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी यार यूट्यूब चैनल। तो यार बहुत ही दिनों के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ और कुछ नया और अजीब तरीके की ट्रिक लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। तो ये वीडियो बहुत ही इन डिटेल बनाऊंगा मैं, आप लोगों को दिखाऊंगा और साथ लाइव प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की इस वीडियो के अंदर जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो आर्टिस्टिक की जो ट्रिक्स ऐसी है कि अगर एक विजिटर आएगा तो आप लोगों को तकरीबन 400 से 500 इंप्रेशन मिलेंगे। आप लोगों को जानते हैं कि एड्स तरह के ऊपर आपको जो ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपको जो ज़्यादा अर्निंग होती है वो इंप्रेशन के ऊपर होती हैं। तो अगर बहुत सारे लोग ये चीज़ जानते होंगे जो कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, जिनका नंबर वगैरह सेव है, तो मैंने आप अक्सर स्टेटस वगैरह भी लगाए होते हैं कि एड्स तरह की ट्रिक जो अवेलेबल है CPM ट्रिक, तो बहुत सारे लोग एक ही बार ना मेरे पास कमेंट यानी कि इनबॉक्स के अंदर आ गया। तो फिर मैंने उनको सबको कहा कि यार आप ऐसा करता हूँ कि ये वाली जो ट्रिक है वो पहले जो मैंने पेड में देनी थी अब आप लोग को बिल्कुल फ्री के अंदर बताऊँगा। तो वो एक हफ्ता पहले हो गया लेकिन अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिला कि इस ट्रिक के ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ। तो अभी मुझे टाइम मिला तो रोज़ा भी होता है, इस वजह से यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से एड्स के ऊपर वर्क कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको बताऊँगा आप वैसा वैसा करना, अगर अदरवाइज आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, मेरी आपकी इससे कोई गारंटी नहीं होगी। और ये काम है वो होता है कुछ इस तरीके का है, तो आपने अपने रिस्क के ऊपर करना है। बाकी अगर इस तरह का एक अकाउंट आपका डिसेबल हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बंदा जो है ना वो ठोकरे खा खा के ही सीखता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताता दूंगा आपने वैसा वैसा ही करते रहना है। सिंपल सा आप सबको सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अकाउंट क्रिएट किस तरीके से करना है, ऐड किस तरीके से लगाने हैं, और आप लोगों के जो ऐड है वो शो क्यों नहीं होते हैं। मुझे इतने कमेंट्स आए भाई जान हमारे जो ऐड बैड्स तरह के शो ही नहीं होते हैं। भाई जान आपकी ब्लॉग पोस्ट की है, आपकी वेबसाइट हो या किसी भी तरह की आपकी वेबसाइट हो, तो आप लोगों की जो ऐड है वो शो हो जाते हैं, चाहे वो कस्टम डोमेन की हो या तो फिर आप लोगों की ब्लॉग पोस्ट के ऊपर ही आपने ब्लॉग क्रिएट किया हुआ, तो आपके ऐड शो होते हैं। हत्ता कि अगर आपने अपनी वेबसाइट को उसके अंदर इंडेक्स भी नहीं करवाया हुआ, अपने ऐड्स तरह से अपने अप्रूवल भी नहीं लिया हुआ है, तो देन फिर भी आप उसका अपनी जो अकाउंट है उसका जो कोड है किसी भी वेबसाइट के अंदर लगाएंगे तो वहां पर भी आपके जो ऐड है वो शो होते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, अपने एक अकाउंट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जी एड्स तेरा, ठीक हो गया। और यहाँ पर से आप लोगों ने इसका जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप लोगों के सामने ही यहाँ पर मैं अपना जो अकाउंट है वो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि आपने यहाँ पर साइनअप के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद एज अ पब्लिशर के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा। वो जो पेज होगा वो आपको साइनअप वाला होगा, वहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस वगैरह और अपनी डिटेल वगैरह आप लोगों ने वहाँ पर डालनी होगी। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नेम, यहाँ पर मैं नेम जो टाइप कर देता हूँ मैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर से मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप करता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं, और उसके बाद सिंपली आपने लॉग इन करिए। यहाँ पर आपने यूज़र नेम टाइप कर देना, तो यहाँ पर मैं अपना जो यूज़र नेम है वो टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड टाइप कर देना, तो यहाँ पर मैं अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अपने मैसेंजर का अकाउंट नंबर या फिर जो भी है आपका स्काइप का है व्हाट्सअप का वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना, ये एक जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर से अपने चूज़ है आपने ऐसे करें कि इसको बैंक ट्रांसफर या पेपल कुछ भी पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, जहाँ पर हमने पेपल सेलेक्ट कर लिया, या फिर आप ऐसे करें कि इसको अभी तक छोड़ दें, ठीक है, या बैंक ट्रांसफर कर दिए सिंपली आप इसके ऊपर अभी। और उसके बाद से पहले आप लोगों ने यह लिस्ट ऑफ योर वेबसाइट आपने यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो वेबसाइट डालनी है वो आप लोगों ने किसी भी वेबसाइट का जो URL वो दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने ये वाला एक ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है, और इसी ब्लॉग का जो URL है वो हम यहाँ पर से उसके अंदर पुट करते हैं, तो जन देखते हैं कि क्या कहता वो हमें, ठीक है। तो यहाँ पर से मैंने इसका जो URL वो टाइप करके यहाँ पर कर दिया, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका जो साइनअप वाला है वो सारा यहाँ पर कह रहा है कि यूज़र नेम ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर से मैं यूज़र नेम चेंज कर देता हूँ।
और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के हमें एक मेल सेंड किया है, तो वो वाली ईमेल आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ मुझे कोई ईमेल वगैरह रिसीव हुई है या तो फिर नहीं। तो यहाँ पर जो हमें मेल है वो यहाँ पर रिसीव हो चुकी है। सिंपली मैं यहाँ पर कन्फर्म ईमेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने बनाना होगा ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग के लिए आपने एक थीम लगाना है और किसी भी थीम के चक्कर में ना पड़िएगा, ठीक है ना। आपने किसी भी तरह कोई थीम लगा तो आपके ऐड है वो यहाँ पर शो नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही थीम है जो मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट है अगर आप यहाँ पर से ऐड सीरियल के ऊपर काम करना चाहते हो, और वो ब्लॉगर का अपना ही है। कोई पेड या फ्री वाला थीम अलग से आपको डाउनलोड करके आपने उसको अंदर पुट नहीं करना पड़ेगा, सिंपली, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही वाला थीम है जो अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा, तो आपने क्या करना है कि इसी थीम को एक्टिवेट करना। अगर आपने कोई भी वेबसाइट के ऊपर भी और थीम लगा रखा है तो आप उसको वापस से रिमूव कर दीजिए। सिंपल सा आपने यही वाला जो अपना है उसको आप ऐड करना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ आप लोगों को नीचे स्क्रीनें नजर आ रही, नीचे यही वाली एक्चुअल में ट्रिक है। और वो आपने किस तरीके से यहाँ पर ये लेकर आनी कि आप एक ही बार विजिट करें तो आप लोगों का अच्छे खासे यहाँ पर इंप्रेशन ऐड हो जाए और आप लोग अच्छी खासी वहाँ पर से ट्रैफिक ले आए, क्योंकि आप अर्निंग कर सके। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर से हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। सिंपली मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका है वो यहां पर देख सकते हैं, हमारा जो वेबसाइट है वो यहां पर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। सिंपली मैं क्या करता हूं, ऐड न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूं, वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यहां पर टाइप कर देता हूं। यहां पर से आप इसको मूवीज वगैरह कुछ भी सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद यहां पर से 728 वाला ये वाला जो है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना और ऐड के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर देना। वो कह रहा है कि ये वाला डोमेन ऑलरेडी इनका ब्लैक लिस्ट लगी हुई। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, ये वाला मेरा अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था हमारे जो अकाउंट पर सस्पेंड होते रहते हैं, तो ये वाला जो अकाउंट है वो हमारा सस्पेंड हो गया। यहाँ पर आप जो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे ऐड वगैरह कोई भी यहाँ पर ये शो नहीं कर रहे हैं। तब आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ कोई भी एक वर्ड जो है वो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर 7 जो था वो मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया, ऐड पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। गोट पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और ऐसी कोई वेबसाइट होगी भी नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ आप मे भी आप ये समझें कि यार भाई ने भी ऐसी ऐप इनके खुद ही बना लिया होगा इस तरीके का ब्लॉग इस यूआरएल से, तो उसको यहाँ पर से कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये चेक कर लीजिए, ये पता नहीं किसका है ब्लॉग और कब से ये बना हुआ, ये मेरा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप पफ्तर सुपर लीप है किसका यहाँ पर ये ब्लॉग है, ठीक है। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर हमारा जो थीम है वो यहाँ पर कोई और है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अभी तक ये पेंडिंग के अंदर है, तो ये तकरीबन ये 5 से 6 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पर इसका जो रिव्यू वगैरह जो वो आपको प्रूव है वो अप्रूवल जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर से आपको जैसे अप्रूवल मिलेगा तो वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर शो करेगा। तभी तक हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमें तभी तक हमारी वेबसाइट अप्रूव हुई है या नहीं, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट अप्रूव हो चुकी है सक्सेसफुली। अब आप लोगों ने क्या करना कि आप ऐड डायरेक्ट लिंक के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर दें। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और दिखा देता हूँ। अभी उसने जो एक कोड हमें यहाँ पर दिए थे, हमें एक कोड जो हमने जनरेट किया था, वो वाला जो कोड है वो मैं उसको गेट करता हूँ, यहाँ पर कॉपी करता हूँ। और यहाँ पर आप चेक कीजिए कि ये वाले जो मैं पेश किया बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, इसके अंदर जो मेरे पुराने कोड्स हैं वो मे भी इसके अंदर हो, लेकिन वो यहाँ पर ऐड वगैरह किसी भी तरह के यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपको यहाँ पर ऐड देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना कि यहाँ पर से बेस्ट गेमिंग वाली यही वाली पोस्ट, इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर से ये देखिए पहले बार ऐड लगे हुए हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर यहाँ पर मैं ऐड लगाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं इसको एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पर से, ठीक हो गया। अभी यहाँ पर चेक कर दिया आपको, यहाँ पर उसी वक्त इंस्टेंट अप्रूवल मिला है, इंस्टेंट आपके ऐड शो हो रहे हैं। आप लोगों ने जो थीम है वो आप लोगों ने यही वाला लगाना, ये वाला थीम आपको कैसे मिलेगा वो भी आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने थीम्स के ऊपर जाना आप लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो थीम है वो वाला आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर ये चेक कीजिए लाइट के नेम से, यहाँ पर ये थीम है, ठीक है। लाइट का कौन सा क्वांटिमो टेम्पो पर इस तरीके का नेम है, ठीक है। इसका जो लाइट वाला वर्जन ये आप लोग यहाँ पर से एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग ऐड जो है अच्छे तरीके नजर आएंगे। अभी यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ स्क्रीन नजर आ रही हैं, ये डायरेक्ट लिंक्स लगाए हुए। ये किस तरीके से लगाते हैं, सिंपली आप लोग यहाँ पर से क्लिक करना और उसके बाद एडिट एचटीएमएल के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप एडिट एचटीएमएल पर क्लिक करेंगे, आप स्क्रोल डाउन करते हो नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए कुछ फ्रेम और इसकी लेंथ वगैरह आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये चीज़ चेक कीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पर से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं एक या दो रहने देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर से मैंने इसको यहाँ तक से रिमूव कर दिया और ये मैंने जो दो है इसको मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ और उसको एक मैं नोट पैड की फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं आपको बाद में ये जो फाइल प्रोवाइड मैं आपको करूँगा, कोड के नेम से मैंने यहाँ पर ये कर दिया है और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ये चीज़ है कि इतना सा
सबसे जो पहली चीज़ है वो आप लोगों ने जो काम करना है वो यहाँ पर ये करना कि इसका जो हाइट विड्थ वगैरह सब कुछ वैसे का वैसे रहने देना है। ये वाला जो लिंक है ये आपने रिमूव कर देना है, ये वाला लिंक आपने रिमूव करके इसकी जगह पर पुट कौन सा करना है आप लोगों ने। सिंपली आपने यहाँ पर जाना है, डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ऐड न्यू डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर से एडल्ट इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने ऐड के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद गॉट इट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर ये पेंडिंग के अंदर है तो ये भी ये एक या दो मिनट लेगा आपका, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये दिखा देगा कि अप्रूव हो गया आपका ये वाला एड्स या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अभी तक पेंडिंग के अंदर ही है। उस वक्त तक मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये वाला जो काम है वो आप लोगों ने इसी थीम के अंदर करना है, और आपने लास्ट के अंदर जाकर करना है, लास्ट के अंदर जाकर करना है, बॉडी से ऊपर करना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो बॉडी यहाँ पर से क्लोज है बॉडी वाला टैग, इसके ऊपर आप लोगों ने ये वाला जो कोड वो आप लोगों ने पेस्ट करना है। और याद रखिएगा एक ही कोड आपने हर बार नहीं निकालना, यहाँ पर ये चेक कीजिए, यहाँ पर ये वाला कोड मेरा अलग है, ये वाला कोड मेरा अलग है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है, आपने इतने ज़्यादा तकरीबन 5 से 6 आप लोगों ने यहाँ पर से जो डायरेक्ट लिंक है वो जनरेट करने हैं, वो आपने यहाँ पर से पुट करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पर मैं करता हूँ, और यहाँ पर यह चेक कीजिए कि हमारा जो कोड है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद में हम यह कहते हैं एक मैं और यहाँ पर से जो ऐड लिंक है उसको मैं यहाँ पर से यहाँ पर हम एक और ऐड लिंक यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से आप 5 से 6 ऐड लिंक यहाँ पर से आप लोग कर सकती हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर अभी पेंडिंग के अंदर है, और उसके बाद आपने सिंपली जितने भी कोड्स आपके आ जाए इसके बाद सिंपली आपने एक्सपोर्ट कोड्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने TXT फाइल आप जनरेट कर लें या फिर CSV जनरेट कर लें, ठीक है। जो भी फाइल आप जनरेट करना चाहते कर सकते हैं, सिंपली आप उसके बाद आपने इसको ओपन कर देना है। अभी यहाँ पर ये चेक कीजिए कि आपको ये वाला जो लिंक वगैरह दे दिया, अभी यहाँ पर इसकी जो प्लेसमेंट वगैरह ये अच्छे तरीके से नजर नहीं आ रहा। बेस्ट ये रहेगा कि आप यहाँ पर इसका जो .csv ये वाला जो फॉर्मेट इसके अंदर आप एक्सेल फॉर्म के अंदर आपको इसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद सिंपली आपने इस फाइल को ओपन कर लेना। यहाँ पर से फाइल को ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक लिंक दिया गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो डायरेक्ट लिंक के नेम से है, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा अपने इस खाने को थोड़ा सा बड़ा कर लेना। तो ये वाला लिंक है, सिंपली आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद नोटपैड के अंदर आ जाना है, और इस लिंक के जगह पर आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट काम आपने जो करना है, तो आप लोगों को जो नया आपको लिंक दिया गया होगा, जब भी अभी ने एक ही लिंक जनरेट किया था, तो अभी यहाँ पर जो हमारा जो दूसरा लिंक है वो भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी हम उसको जो डायरेक्ट लिंक 2 है इसको भी यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ, और इसके जगह पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद कंट्रोल एस करता हूँ, ये बार जो हमने एक स्पेस दी थी उसको मैं खत्म कर देता हूँ। कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने। यहाँ पर अभी तक आप लोग चेक कर लीजिए कि आपको लास्ट के अंदर जो है कितने आप लोग यहाँ पर, और ये बार जो वेबसाइट है वो हमारी उसके अंदर अप्रूव भी नहीं है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो वेबसाइट इसका लिंक आप चेक कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी आप जो हमारी वेबसाइट्स है उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट हमारी यहाँ पर मौजूद है। और इसके अंदर यहाँ पर ऐड वगैरह कुछ भी शो नहीं कर रहा, कितने ज़्यादा मैंने पहले यहाँ पर लगाए हुए थे, ठीक है ना। और मेरा जो अकाउंट है वो ये यार इसी वजह से सस्पेंड भी हुआ था, ठीक है ना। तो आप लोग ने ये गलती नहीं करनी, आप लोगों ने सिर्फ 6 यहाँ पर डालने, 6 से ज़्यादा आप लोगों ने यहाँ पर से लिंक नहीं डालने हैं। उसके बाद यहाँ पर से आपने ये वाला जो लिंक है उसको रिमूव करना है, ये पहले वाले को। अब आपने यहाँ पर जो हमने न्यू लिया अपडेटिंग लिंक वाला उसको अपने यहाँ पर पेस्ट करके सेव पर क्लिक कर देना। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। अब मैंने रिफ्रेश किया इसको, हमारा जो टॉप वाला था लिंक ऐड वो भी शो हुआ, और यहाँ पर जो नीचे वाला था वो भी आप लोगों के जो ऐड है वो यहाँ पर शो हो गई। यहाँ पर ये चेक कीजिए, ठीक है, आप लोगों को ये वाला जो ऐड भी शो हो गया। यहाँ पर ये देखिए ऑटोमेटिकली डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक किया, IQ ऑप्शन वाला जो लिंक था वो यहाँ पर क्लिक हो गया। अब जितना ज़्यादा आप लोगों का डाटा होगा, मतलब जितना ज़्यादा आप लोगों के पास इंटरनेट स्पीड तेज़ होगी, उतना ही अच्छा आप लोगों को यह नीचे वाला जो ऐड है वो डिस्प्ले करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर चेक करिए आपको ऐड डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर अभी ये वाला नहीं हो रहा, ये इंटरनेट का इशू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऐड शो हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसी को अगेन कॉपी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, और यहाँ पर से मैं जाता हूँ अगेन इस फाइल के अंदर, और यहाँ पर मैं जाकर इसको पेस्ट करता हूँ, और अगेन मैं यहाँ पर से जाता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। और अगेन मैं यहाँ पर से जो बैक वाला लिंक है, मैं इसका जो URL है, जो पहला URL है इसका, उसी को मैं यहाँ पर से सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि आपको ऐड शो हो रही है या नहीं। यहाँ पर चेक कर लीजिए, अब यहाँ पर आप ऐड जो है वो आपको ये बार शो हो गया, यहाँ पर भी ऐड शो हो गया आपका, यहाँ पर भी ऐड शो हो गया आपका। मतलब ये जितना अच्छा आपका लोगों का इंटरनेट कनेक्शन होगा, उतना ही अच्छा आप लोगों को जहाँ पर ऐड वगैरह वो क्लिक होते रहेंगे, ऑटोमेटिकली इंप्रेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे यहाँ पर।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लोग बाकी भी ऐड लगा लीजिए, जो डायरेक्ट लिंक वाला सीपीएम ट्रिक वो असल यही है कि आप लोग एक लिंक के ऊपर क्लिक के ऊपर आपको इतने ज़्यादा जो है डायरेक्ट लिंक के ऊपर आपको जानते हैं अच्छा खासा आप लोग अगर वर्क करते हैं कि अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर सीपीसी रेट है वो यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने मतलब एक इंप्रेशन बहुत आप लोगों को यहाँ पर इसके ऊपर मिलते हैं। अगर स्टैटिस्टिक के अंदर चल जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि अभी हमारा जो लिंक किया तो उसको अभी तक हमें कुछ मिला या नहीं। यहाँ पर चेक कीजिए 8 इंप्रेशन हुए सिर्फ, और यहाँ पर एवरेज चेक कर लीजिए आप, मतलब ये कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैं चेकिंग किया, और ये वाला अभी तक जो हमें बाद में काम किया उसके तो अभी तक ऐड ही नहीं हुए, ठीक है ना, उसके तो अभी तक ऐड ही नहीं हुए। सीपीएम रेट आप लोग यहाँ पर इसका चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये अगर हम इसको 10 मिनट के बाद यहाँ पर चेक करेंगे तो आप उसके वक्त देख लीजिएगा कि कितने ज़्यादा यहाँ पर से आप लोगों को इंप्रेशन मिलेंगे, कितने ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर से ट्रैफिक आप लोगों को यहाँ पर से मिलेगी। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। जो मेन चीज़ थी वो आप लोग अकाउंट बनाना, आपके ऐड शो नहीं हो रहे तो उसका आपको थीम चेंज करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग ये कि आप लोगों ने इसको एम्बेड करना है कोड को, एक और ट्रिक भी मेरे पास मौजूद है वो भी मैं चला आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो शायद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहते हैं, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट, स्टे डन। एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो वाली ट्रिक यहाँ पर, ये वाली ट्रिक है यूनाइटेड स्टेट से, रशिया, थाईलैंड, ब्राज़ील, हांगकांग से ट्रैफिक आ रही है, तो ये वाली ट्रिक भी काफ़ी मज़ेदार है। अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है फ्री यूएस से ट्रैफिक वाइब, ये वाली ट्रिक नहीं अभी बता रहा हूँ मैं, ये वाली जो ट्रिक है जिसका आपको मैंने बताया वो वाली ट्रिक, इस वीडियो वाली जो हमने मैंने बताई थी उस वो वाली ट्रिक नहीं है, वो एक नई ट्रिक है, वो भी मैं चला आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, पीस आउट, स्टे टर्न।